नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ रेणु चौहान। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के आर्य ऑडिटोरियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कालका जी विधायक सरदार अवतार सिंह कालका के द्वारा जश्न ए जमहूरियत कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर कल्चर कार्यक्रम आयोजित होते आए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधायक अवतार सिंह कालका ने यह कव्वाली कार्यक्रम आयोजित कर भाईचारे का संदेश दिया है। इस अवसर पर वहाँ कालका जी विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष देवेंद्र तनवर समेत पार्टी के कार्यकर्ता व भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो समझते हैं, ये दिल्ली सरकार के द्वारा रखा गया प्रोग्राम है ये, और सभी के लिए है, और देश का जो अपना गणतंत्र दिवस के खुशी में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके उपलक्ष्य में था कि लोग एकजुट होकर बैठें और अपने संविधान को नमस्कार करें और अपना इंजॉय करें और एकता का पैगाम दें, तो इसलिए आज कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया था। तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था जिसमें सभी अपना देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं और प्रभु को याद किया जा रहा है ताकि हम सब एक हिंदू हों तो और देश को मजबूत करें। सर, दिल्ली सरकार के द्वारा और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आने वाले समय में? और दिल्ली सरकार के हमारे इलाके की, मैं अपने विधानसभा की बात करता हूँ फिलहाल, तो दिल्ली सरकार तो बहुत काम कर रही है, वो आप नेशनल लेवल पर भी देख सकते हैं। और यहाँ के विधानसभा के अंदर बहुत खूबसूरत और प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, अलग अलग हिंदी एकेडमी का प्रोग्राम है, उर्दू एकेडमी का है, पंजाबी एकेडमी का है, तो सभी एकेडमी से जो हमारे को सरकार ने फंड दिया ताकि लोग अपनी टेंशन को दूर करें। कुछ जाके अपना सारा दिन कामों में बिजी हैं लोग अपने व्यवसाय के दौड़ में लगे हुए हैं, और आज जो चल रहा है माहौल चल रहा है, लोगों के बिजनेस खराब हो रखे हैं, GST लगा, आप सारा देख रहे हैं कि सरकार सेंट्रल सरकार ने क्या हल कर दिया, पर दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली सरकार है तो उसकी वजह से लोग काफ़ी फिर भी सुकून है लोगों को, ताकि जैसे बिजली के बिल हो गए, पानी का हो गया, और स्कूल की एजुकेशन जो बहुत अपना उसकी जो फीसें थी ज़्यादा थी, तो ऐसे में पब्लिक स्कूल की बराबर में उन्होंने अपने गवर्नमेंट के स्कूल खड़े कर दिए हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिले, और लोगों को राहत मिल रही है, चाहे वो हेल्थ है, हेल्थ में लोगों का आज बजट इतना ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार और हमारे गणतंत्र दिवस तभी मनाए सफल है जब हमारे लोग खुश हों, देश के लोग खुश हों, तो ये एक दिल्ली सरकार अपना काम कार्य कर रही है। उसके अंदर दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ लोगों को दो पल बैठकर जो अकेडमी से हमारी हैं, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम है उसको देखें और अपने संस्कृति से जुड़ें, तो आपस में भाईचारा कायम करें। सर, दिल्ली सरकार ने कई क्षेत्रों में काम किया है, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में कह लीजिए या दिल्ली के डेवलपमेंट के क्षेत्र में कह लीजिए, लेकिन अभी तक उन्होंने चुनाव के समय में 70 कॉलेज खोलने वाली बात कही थी दिल्ली में, लेकिन उनमें अभी काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे इसको? आपको मालूम है सेंट्रल सरकार हमारे को जगह नहीं दे रही, जब DDA जगह नहीं देगी तो कहाँ से खोलेंगे। फिर भी अभी लेटेस्ट अभी जो हमारे जो स्कूल हैं उनके अंदर 12,000 क्लासें बनाई जा रही हैं, और 28 तरीकों को उसका मेगा उद्घाटन कर रहे हैं CM साहब, और हर स्कूल में उद्घाटन होगा उसका। तो अपने आप में सरकार पीछे नहीं हटती, सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है, अभी समय बाकी है, बाकी काम भी हो जाएगा। थैंक यू सर। दिवस की आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम हमारे क्षेत्रीय विधायक अवतार सिंह कालका जी के द्वारा किया जा रहा है, और ये पहला कार्यक्रम है अभी दिल्ली सरकार के द्वारा जो इस उनके जो 25 लाख का जो फंड है उसमें ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी ब्लॉक स्टॉप क्लास में आर्य ऑडिटोरियम है, इसमें कव्वाली का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पूरे क्षेत्र के हमारे ABC स्टॉप क्लास के श्रीनिवासपुरी से कालका जी से बहुत सारे हमारे निवासी यहाँ पर आए, और एक ये बहुत अच्छा मतलब मैसेज आता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा एक अच्छा कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में हो रहा है और कालका जी विधानसभा में हो रहा है। इसके लिए हमारे CM साहब अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में इतना अच्छा प्रोग्राम किया। विधायक जी के द्वारा और कौन कौन से प्रोग्राम आने वाले समय में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे कालका जी विधानसभा के अंदर? ये कल्चर प्रोग्राम है, ये विधायक जी के द्वारा अभी एक पहला प्रोग्राम हुआ है, आगे जाके बहुत सारे प्रोग्राम होने जा रहे हैं। 2 तारीख को श्रीनिवासपुरी में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और 5 प्रोग्राम कालका जी विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे हैं, और बहुत बढ़ चढ़ कर ये प्रोग्राम होंगे जिसमें हर क्षेत्र को, हर वार्ड को, हर मोहल्ले को, जो हमारे जहां पर हमारे क्षेत्र के लोग आ सकते हैं, ऐसी ऐसी जगह पर हमने ये प्रोग्राम रखे हैं। बात करें सरकारी स्कूलों की, तो विधायक जी के द्वारा कालका जी विधानसभा में कितने स्कूलों का नवनिर्माण किया गया है या उनका मरम्मत की गई है?
ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। दिल्ली सरकार ने एक बहुत अच्छा स्कूल पहले तो हमको दिया है, जो दिल्ली में 5 स्कूल खुले हैं उसमें से एक स्कूल हमारे कालकाजी विधानसभा में बनाया है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। और इसी 28 तारीख को एक मेगा पीटीएम होने जा रही है, जिसमें हमारे जितने भी दिल्ली सरकार के स्कूल है उसमें हमारे सारे SMC की टीम, हमारी हम विधानसभा की टीम हर स्कूल में जाएगी और 12,000 क्लास रूमों की उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करने जा रहे हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया जी हमारे मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी करने जा रहे हैं और हर विधायक की 70 के 70 विधायक जो मतलब हमारी आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं वो हर अपने विधानसभा के हर स्कूल में पहुंचेंगे और वहां पर मेगा पीटीएम करेंगे और उसमें हमारे दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को बुलाया है और उनके सामने इन स्कूलों की का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पूरी टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी। और भी खबरें जानने के लिए बने रहिए हमको 24/7 के साथ। धन्यवाद।